तो अब आज की सड़क थे देख रहे हो गंगानगर फाटक का नहीं आप जान लाग रहा तो आज ये चालू है और नगर पालिका का जगह श्रमिक है वह भी सफाई वगैरह करने लाग रहा है। राम राम साह, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश और थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। अभी आप हनुमानगढ़ जिले के तिलक सर्किल के ऊपर खड़े तो देख सको वो बोई सर्किल है जठे कोई टाइम वाहन आगो आवागमन तो ज़्यादा रहते तो क चारों मेर है जो वाह ना को एक सर्किल से बने रहा करते। लेकिन आज लॉकडाउन के मैन परिस्थिति आ है कि अठे परिंदों भी पैर को मार सका है क्योंकि पुलिस प्रशासन है जो को बिल्कुल सख्त है और बेवजह जिसका लोग बाहर घूम रहे हैं बांगे ऊपर चालान की कार्रवाई भी करने लाग रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा देंगे बाद में विवाह शादियों के ऊपर जिया रोक लगा दी गई और बी के बावजूद भी है जो आप देख सकें कई कई जगह है जो को लोग शादी वगैरह करने लाग रहे हैं। हालांकि बाबी एक हद तक आप देखा कि शादी और काम भी एक हद तक सही है वो भी होना जरूरी है लेकिन मेरे वहाँ सबसे निवेदन है शादी करो चाहे लेकिन सरकार के द्वारा जिका 11 व्यक्ति ही अनुमति दे दी ही तो बी चीज़ की थोड़ी सी पालना है जो को होनी चाहिए। बेवजह जो को आपका रिश्तेदारान वगैरह बुला गए और शादी ब्याह के मैंने भीड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि आ कोरोना महामारी की जिकी दूसरी लहर है आ गाँव ने बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लाग रही है। शादी ब्याह है जिका गाँव में नहीं है जो को ज़्यादा भीड़ होने लाग रही है। शहर के मैंने तो पुलिस प्रशासन ज़्यादा अलर्ट है तो मेरे हिसाब से शहर के मैंने इस चीज़ की प्रॉब्लम को नहीं आवा है। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा दिक्कत है जिकी गाँव में आने लाग रही है तो जगह गाँव वाला भाई देख रहे हैं वहाँ से निवेदन है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सो है जो को थन ध्यान देना चीज़ है। पर ओके कलेक्टर सर्किल के ऊपर है जो निर्माण कार्य है जो होने लाग रहे है राज्य सरकार के द्वारा जब लॉकडाउन लगाया गया तो मजदूरान देखता हुआ है निर्माण कार्य चालू रखे गए ताकि जिसका मजदूर भाई है अपना बने जाए रोज़गार मिल जाए। तो अभी आप हनुमानगढ़ ज़िले की कलेक्ट्रेट के आगे खड़े हैं देंगे थे देख पा रहे हो आ रोड अमूमन इतनी ज़्यादा बिजी रह करती और लोग बाग है जिसका SP ऑफिस हो गयो या फिर अपना कहते कलेक्ट्रेट हो गयो या फिर मजिस्ट्रेट के मैं आया ही करता और बहुत ज़्यादा बिजी रह करते। लेकिन अब आर की स्थिति है जो कि थारा सामने आए थे देख सको कि अठे कुत्तों बिल्ली थान देखने को मिल रहे हो तो मैंने खाएंगे तो आप बात ही खटे करा एक जो कि बाइकर आए जिसका आन लाग रहा है जिसका ज़रूरी काम शो भी है जहाँ निकल लाग रहा है तो कई बार जहाँ क्या हुआ है कि लोग 11 बजे बाद के मैं भी है जो को बेवजह निकल लाग रहा है तो बाँश मेरा निवेदन है कि थे थारे खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने लाग रहा हो थे थारे खुद के परिवार ने खतरे के मैं डालने लाग रहा हो तो बाँश निवेदन है कि भाई साहब बेवजह बाहर ना निकलो कि भाई लोगों का कमेंट आवे कि ऑक्सीजन खटे मिल रही है तो बाने में बता दूँ कि ऑक्सीजन और बेड की आप बात करा तो थे हनुमानगढ़ टाउन के वहीं जाके गौशाला में पता कर सको बटे है जो को आधुनिक चीज़ों की व्यवस्था है जो को अमन सरकार के द्वारा कराई जावन लाग रही है। जी कि थे देख रहे हो मैं थाने पहले भी जी बताया कि निर्माण कार्य है जो को जो चालन लाग रहा है प्रशासन के द्वारा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला या फिर मजदूर वर्ग है जो को बांगो पलायन रोकने खातर है जो को आ चीज़ जी प्रशासन के द्वारा करी गई तो एक अब आ चीज़ कह सकें कि बहुत ही बढ़िया कदम है जिसको सरकार के द्वारा लगाया गया ताकि मजदूर वर्ग है जिसका वो पलायन रोक जा सके और कोरोना महामारी यूँ जिसको बने बचाया जा सके। इमरजेंसी सेवा के मैं आवा है और वाल्मीकि चौक को दृश्य थे देखने लाग रहा हो और अठे किसी की दुकान वगैरह है वह जी सारी बंद पड़ी है। हालांकि लॉकडाउन में पहली परिस्थिति आई कि अठे बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती पग धरण खातर अठे जगह को नहीं होया करती लेकिन आज सारी दुकान जो बंद पड़ी है। तो राजस्थान के सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया और अभी के बाद में सार्वजनिक और निजी वाहन हाँ मांग ऊपर जो रोक लगा दी गई अभी के बाद के मैंने अब जो रेलवे की भी आप बात करा तो बहुत ही कम हैं जिकी ट्रेना बार चालन लाग रही कोई इक्की दुक्की ट्रेना हैं जिकी चालन लाग रही हैं और अमूमन अठे इतनी ज़्यादा भीड़ रहा करती कि पग टेकने खातर जगह को नहीं होया करती लेकिन आज वो ही रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन को है जो को सुनना पड़े है और ठेकांग ऊपर भी है जो को शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। 11 बजे बाद में भी है जिकी शराब की बिक्री धराधन होने लाग रही है बठा कोरोना को नहीं हुए गए तो आज चीज़ भी कई लोगों को सुनने में ना आवे तो इस चीज़ के ऊपर पुलिस प्रशासन है वो भी चुप बैठे है और आबकारी विभाग है बेंगा अधिकारी भी चुप बैठे हैं तो
बाँ सबसे मेरा निवेदन है कि भाई साहब कद जागोगा, थारा से निवेदन है अब जाग जाओ, बहुत सारा दिन हो गया अपन शराब बेचता, अब बंग ऊपर कार्रवाई कर दो। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर आने खातर जो सार्वजनिक और निजी जितना भी वाहन है बंग ऊपर जो रोक लगा दी गई लॉकडाउन के कारण है, जिसको आ चीज़ करी गई। और अब कोई भी भाई बंधु जो एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर बिना परमिशन है जिसको परिवहन चाहे वो निजी हो चाहे वो सार्वजनिक हो, अगर दुनिया के माध्यम से भी है वो आपकी यात्रा को नहीं कर पाओगे। और जे कि थे पिछले दिनों में भी देख रहा होगा कि शासन प्रशासन है जिसको लगातार कार्रवाई करने लाग रहे हैं, जिसका लोग बेवजह है जो सड़क के ऊपर आपका वाहन लेके निकल रहा। लगातार इसे वीडियो देखने खातर जलको हनुमानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब करो और नीचे घंटी को बटन है बिना भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो थान मिल जावा। और ये वीडियो पर थारी के राय ही बामान कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करोगा। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थानी।